परसों के दिन जो गेहूं का एक ट्रक पकड़ा गया जो कि सरकारी अनाज है और प्राइवेट सेक्टर में जा रहा था, क्या मामला था इसके बारे में जरा खुलकर बताइए सर। इसमें एक ठेकेदार है जिसने जो सभी ग्वालियर शहर के अंदर दुकानों पर जो पीडीएस का गेहूं और चावल है उसको सप्लाई करता है और उसकी जिम्मेदारी रहती है कि वो उस गेहूं चावल को शासकीय गोडाउन या से उठाकर उन दुकानों तक पहुंचाए, परंतु वो दुकानों तक ना पहुंचते हुए सीधा उसने जो है ब्लैक किया उसको, ब्लैक क्या कहें इसको, काला बाजारी एक तरह की, और उसको सीधा जो एक फ्लोर मिल है उस पर उसने पहुंचा दिया। उसको जो अनलोड हो रहा था उसी समय पुलिस ने जाके उसको पकड़ लिया और सामान जब्त कर लिया, अनाज 495 बोरी गेहूँ और चावल दोनों है जिसमें, इस प्रकार उस पर 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम की कार्रवाई, ठेकेदार और जिस स्थान पर ये जिस प्रतिष्ठान पर ये माल उतर रहा था उस व्यापारी के विरुद्ध और ट्रक चालक के विरुद्ध की गई है। ऐसे मामले जो इसमें ऊपर भी कोई दबाव या प्रेशर ऐसा आता है नेताओं का, मंत्रियों का, कि इसको ट्रक को छोड़ दिया जाए, ऐसे जाने दिया जाए? देखिए, दबाव तो हमारी जो कार्य प्रणाली है या जो पुलिस विभाग है, जहाँ पर भी हम एक मजबूर गरीब कमजोर की लड़ाई लड़ते हैं या उसके लिए काम करते हैं, तो दबाव तो उसका हिस्सा है। और जहाँ तक इसको मैं पूरी तरह से व्यक्त नहीं करूँगा, लेकिन ये सामान्य बातें हैं और इन्हें हम अच्छी तरह से हैंडल करते हैं, और इस तरह के दबाव की स्थितियाँ जब बनती हैं तो वो दबाव हमें और शक्ति देता है और वही शक्ति हमें और आगे काम करने के लिए प्रेरित करती है। जिले का ये पहला मामला है कि इस तरीके का